हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैं हाशमी और आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे और खैरियत से होंगे। सो कुछ ईमेल्स आई, कुछ मैसेजेस आए कि जी ये तो इंग्लिश में बात करती है, मुझे समझ में नहीं आता, और या आप उर्दू में बात करें, तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू टॉक इन उर्दू ताकि सबको समझ में आए, और जो बात मैं करने जा रही हूँ वो आई थिंक वो सबके लिए है। और ये बहुत सारी ख़वातीन के साथ होता है, लड़कियों के साथ होता है, डेली बेसिस पे होता है, मेरे साथ भी हो चुका है कई दफ़ा। रिसेंटली एक वाकया हुआ और उस वाकये का इतना मुझे अफसोस नहीं हुआ, बट जो उसके बाद एक रिएक्शन आया कि जी कसूर सिर्फ उनका नहीं है, सो उससे ज़्यादा मायूसी हुई। सो ये कुछ हुआ था पिछले दिनों। क्यों भाग रहे हो? He was masturbating here at the beach where so many women come for a walk early in the morning. ऐसे वाकयात में होता यह है कि जो आपने अभी क्लिप देखा, मोस्टली लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करे, नाजेबा हरकत करे, कोई इनअप्रोप्रिएट हरकत करे पब्लिक स्पेसेस में, तो आप जो है उसको इग्नोर कर दें, या तो इग्नोर कर दें या घर से बाहर नहीं जाएं, या फिर वो रास्ता बदलें या उस जगह पर ना जाएं। मुझे सबसे पहली सजेशन ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई मुझे कहा जाएगा कि मैं रोज़ाना वॉक करने या जॉक करने बीच पर जाती हूँ, बिकॉज आई लिव क्लोज बाय, मैं वो ना जाऊँ। हद ये थी कि वो बंदा जो भी कर रहा था वो काफ़ी देर से करता हुआ आ रहा था, और वहाँ पे बहुत ख़वातीन आती हैं सुबह 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 के 7-6:30 बजे, और वहाँ पे और भी मर्द हज़रात थे, मगर उन्होंने किसी ने उसको रोका नहीं, किसी ने उसको कन्फर्ट नहीं किया। ऐसे मौक़ों पे वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, जब ऐसा कुछ होता है तो आपके लिए एक दहशत की चीज़ है ना, आपको डर लगता है आपके साथ कोई असॉल्ट हो रहा हो, आपके साथ कोई हरासमेंट हो रही है, आपको कोई डरा रहा हो, तो आप डरेंगे, ठीक है। और उन चीज़ के लिए स्टैंड लेना और उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। तो आई बिलीव कि हम औरतों में बहुत हिम्मत होती है, जो हम डेली बेसिस पे रोज़ाना आवाज़ें कसना, लोगों का ताड़ना, डिफरेंट पैट्रियार्की, मेल शोविनिज्म, बहुत कुछ हम लोग झेलते हैं, ओके। और हमें ये अब नहीं कहना चाहिए कि इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज़ इग्नोर करते करते बात यहाँ तक पहुँच गई है। और ख़बरों में हम देखते हैं बहुत सारे केसेस हैं कि कभी किसी को मर्डर कर दिया, कभी किसी ने किडनैप कर लिया, कोई बच्ची कहीं से किडनैप हुई, कहीं से मिली, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। और ये आपने कभी सोचा है कि कोई दिन में ऐसी सोचता है कि हाँ चलो यार आज एक 7 साल की बच्ची को किडनैप करते हैं और उसके साथ जो है उसका रेप करते हैं? ऐसे कहाँ से शुरू होता है ये सारी जो चीज़ें? वो बंदा जो ये हरकत उस पब्लिक स्पेस पे कर रहा था, ये वहीं से शुरू होते हैं। अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो ये आगे बढ़ के उस एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा। एक हैदराबाद की, जब मैंने ये स्टोरी पोस्ट की अपने फेसबुक के पेज पे और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो एक हैदराबाद के आर्टिस्ट हैं, मेरे साथ एग्जिबिट भी काम कर चुके हैं, और बिकॉज मैं क्यूरेटर हूँ तो मैं काम एग्जिबिट करती हूँ, और उनका कहना ये था कि ज़्यादा बहस में मत जाइए क्योंकि कसूर सिर्फ उसका नहीं है। I was naked. I looked like a boy. He was naked. He was the naked one. और मुझे वाकई समझ में नहीं आया कि सिर्फ कसूर एक बंदा इस किस्म की हरकत कर रहा है उसका कसूर नहीं है। अगर एक बंदा चोरी करे या कत्ल करे तो सिर्फ उसका कसूर नहीं है। इसमें और बहस की गुंजाइश कहाँ रहती है? आप कैसे ऐसे इंसान को सपोर्ट कर सकते हैं? मुझे उस बंदे ने जो वो ये हरकत करा था इतना मायूस नहीं किया जितना इन आर्टिस्ट की ये बात ने मायूस किया, बिकॉज आई थिंक कि अब वो वक्त आ गया है कि आदमियों ही को मर्द हजरात को बात की बात करनी पड़ेगी। हम औरतें कुछ कहते हैं, हम लोग रिएक्ट करते हैं। मैंने जब उसको रोक के उस बंदे को कन्फर्ट करना शुरू किया, पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू क्रेजी। अगर एक बंदी कुछ चीखती है तो ओके, ये तो यार चिक चिक कर रही है, ठीक है। अगर एक बंदी किसी के लिए यू नो बाउंड्री ड्रॉ करती है तो कहते हैं कि हाँ ये तो है ही ऐसी ना, ये तो पता नहीं हमारे लिए ना कहते। मैंने ये तक सुना है कि मी टू हो जाएगा का मजाक लगता है ये आपको? दिस इज़ नॉट अ जोक। In some ways, there are men and children and women who are going through this harassment every day, and that they're
people who have been assaulted on a bigger and much more awful level. There is molestation, there is rape, there is sexual harassment, there is being stared at, there is a lot of things. Why can't we have a safe place? Hum is duniya ko safe place kyun nahi bana sakte? Wahan pe agar maine hi us bande ko confront kiya to baaki logon ne kyun nahi kiya? Ek zamana tha ke, I mean, main 20s mein thi apni aur kisi park mein baithi thi aur वहाँ पे किसी ने ये हरकत की और उस वक्त मैं फ्रीज हो गई. बिकॉज़ जाहिर है हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हमें ये सिखाया जाता है कि इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो. आज 15 साल हो चुके हैं इस बात को. बीच में और भी वाकयात हुए. आई वाज ड्राइविंग, देयर वाज वन पर्सन जस्ट गोइंग ऑन हिज बाइक एंड यू नो डूइंग द सेम एक्ट एंड देन दिस हैपेंड टुडे एज वेल. बट टुडे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बिकॉज़ शेयरिंग माय स्टोरी गेव मी सो मच करेज कि अब मुझे आवाज़ उठाने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता. एक अंदर से आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, आपकी कंडीशनिंग होती है और जब आपने सोच लिया हो कि आपको इस बारे में बोलना है तो फिर बोलना है. तो देन आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट यू नो देन आई सेड इट एंड आई कुड स्पीक अप एंड आई कुड कन्फ्रंट हिम एंड आई कुड स्टॉप हिम. ही वॉज नॉट डूइंग इट जस्ट लुकिंग एट मी, ही वॉज डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस. वो बहुत दूर से आता हुआ कर रहा था, वो तो मेरी नज़र पड़ गई. So I think ke it's time that men please talk to men. I know I don't say ke sare aadmi mard hazrat ek jaise hote hain. I have known good men also in my life. I have good male friends also who respect me equally, who treat me as a person, not just an object, who show chivalry, who show manners, who are very intellectual, and men of substance as well. एंड मैं ये नहीं कहती कि सारे आदमी एक जैसे होते हैं, मगर आई थिंक आप मर्द हजरात को, इन तरह के मर्द हजरात को अब आप ही समझा सकते हैं कि अपने ही लोगों को कि ये गलत है. ये अगर कोई इस किस्म की हरकत कर रहे हैं तो सबसे पहले औरतों को ये ना कहें कि जी इग्नोर कर दो. दूसरा ये कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको रोकें, उसकी उसके बारे में आवाज़ उठाएँ. और एक बंदी अगर उसकी आवाज़ उठा रही है तो उसका साथ दें. सो अपना ख्याल रखिएगा. और प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर हफ्ते एक वीडियो आपके साथ शेयर की जाए और अपना प्रोसेस जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूँ. तो ये एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ और आई वांटेड टू शेयर एंड टॉक अबाउट इट एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ इट. सो आई होप के वी ऑल स्टे सेफ एंड वी कैन ओनली डू दैट जब हम खुद इस दुनिया को एक सेफ जगह बनाएंगे. ये सारी चीज़ें जो बड़े बड़े रेप के किस्से आते हैं ये कहीं से ही शुरुआत होती है. वो शुरुआत ही है बीच पे, ये इस किस्से से शुरुआत होती है. इसी तरह के लोग होते हैं जो आके जाके बड़ी हरकतें करते हैं. अपना ख्याल रखिएगा और फिर मुलाकात होती है इतवार के दिन. थैंक यू.